एक तारीख को मैसेज आया कि मेरा SBI का नेट बैंकिंग अकाउंट बंद कर दिया जाएगा अगर मैं पैन कार्ड का KYC नहीं कराता। और उसमें एक लिंक था, ये मैसेज आया था मुझे एक कंप्यूटर जनरेटेड SBI जैसी नंबर्स, नंबर नहीं था इसमें, ये SBN CPL करके मुझे मैसेज आया था। तो इसमें एक लिंक था जिसको मैंने ओपन किया, तो उस समय मुझे लगा कि ये SBI की नेट बैंकिंग वाली ही वेबसाइट। इसमें मैंने अपने लॉगिन डिटेल्स डाले थे और उसके बाद इन्होंने पैन कार्ड का नंबर और उसको वेरीफाई करने के लिए KYC मांगा। तो उसका OTP आया, OTP मैंने वेबसाइट में डाला, फिर आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक OTP भेजा, उसको मैंने वेबसाइट पे डाला। एंड उसके बाद मुझे और कोई OTP नहीं आया। फिर मुझे पता चला, सडन मेरे को एक साथ मैसेज आते हैं सारे कि मेरे अकाउंट में एक FD थी उसके ऊपर इन्होंने OD खोल ली है, एंड ओडी उसमें ओडी से क्या है? OD लोन रहता है सर, लोन FD दे रहे पे हैं, ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट लोन, तो उसमें से इन्होंने करीब 2,25,000 रुपये निकाल लिए हैं दो ट्रांजेक्शन में। आप देख सकते हैं बार बार दुर्ग पुलिस जागरूक कर रही है कि ये लोग पैनिक क्रिएट करते हैं। इनको बताया गया कि इनका ये पैन कार्ड KYC के लिए चेक कर रहे थे, पैन कार्ड के। ये लोग गूगल से डेटा जनरेट करते हैं, पहली चीज़। कौन से आदमी पैन कार्ड का सर्च कर रहा है, पैन कार्ड का KYC सर्च, तो उनसे उनको डेटा मिल जाता है कि देश भर में इतने लोग हैं जो पैन कार्ड का KYC सर्च कर रहे हैं। अब ये उन्हीं लोगों को फ़ोन करेंगे, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत भी है, तुरंत वो आपके पास फ़ोन आएगा। तो आदमी लालच के साथ डर भी दिखाया जाता है कि यदि आपने KYC अपडेट नहीं किया अपने पैन कार्ड का, तो आपका जो पैन से लिंक्ड अकाउंट है SBI का, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति को अपना बैंक का काम रहता है, हर डेली लेवल की चीज़ों में, तो वो यदि SBI ब्लॉक हो जाएगा तो उससे इनका फिक्स डिपॉजिट है, उसमें बाकी है, EMI चल रहे होंगे, बच्चों का फीस देना होगा, तो हर आदमी डर जाता है। दुर्ग पुलिस हमेशा आह्वान कर रही है कभी भी लिंक पे क्लिक ना करें। इन्होंने कहा SBI जैसा वेबसाइट, वो जैसा रहता है उसका वेबसाइट का जो एड्रेस आप देखेंगे केवल एक लेटर का अंतर होगा, और जब वेबसाइट पे घुसेंगे तो SBI जैसा ही वो फर्स्ट पेज रहेगा, उसी की तरफ सारा कंटेंट रहेगा, लेकिन वो SBI का होम पेज नहीं रहेगा। हम लगातार जनता से आह्वान कर रहे हैं कि यदि आपको कोई चीज़ करना भी है तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, आपके पासबुक पे लिखा रहेगा SBI का वेबसाइट, आप SBI का www जो भी SBI का प्रॉपर वेबसाइट है उस पर जाएँ, कभी भी लिंक क्लिक करके ना जाए। इन्होंने लिंक क्लिक किया, वो लिंक जो लेके गया वो एक फर्जी वेबसाइट पे लेके गया, जो कि जिसका कंट्रोल उस हैकर के पास था, फ्रॉड के पास था, फ्रॉडस्टर के पास। इन्होंने जो अपना यूजर नेम डाला, जो अपना पासवर्ड डाला, इनको लग रहा है डॉट डॉट आ रहा है, लेकिन वो दूसरा बंदा उनके यूजर नेम को और पासवर्ड को रीड कर पा रहा है। उसके बाद जो OTP आया दो बार, उन्होंने जैसे ही OTP भेजा, यूजर नेम उनको मालूम है, पासवर्ड इनको मालूम है, जैसे ही आप OTP, ये क्या करते हैं, आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है उसको चेंज करने का क्लिक करते हैं। जैसे ही चेंज करने का करेंगे, OTP मांगता है, इन्होंने अपना OTP बता दिया, तो उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर लिया। और उसके बाद जो भी पैसे पैसे होंगे तो पैसा निकाल लेंगे, पैसा नहीं था तो इन्होंने लोन उठा लिया। इसीलिए सभी से हम आह्वान करेंगे कभी भी लिंक पे क्लिक ना करें, OTP ना बताएं। OTP में बहुत चीज़ें होती हैं, सही OTP क्या है, गलत OTP क्या है, क्योंकि काफ़ी बार हमें बैंक से OTP आता भी है, कभी भी OTP बताना ही नहीं है हमें। कभी भी थर्ड पर्सन को फ़ोन पे OTP ना बताएं। काफ़ी लोग कहते हैं अमेजोन वाले आते हैं OTP मांगते हैं, सामने OTP है, सामने उसको दें और सामने इंटर करेगा। कभी भी फ़ोन पे किसी को OTP ना बताएं, किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। इन दो चीज़ों पे इतनी ज़्यादा फ्रॉड हुई है, उसके बाद भी लोग अवेयर नहीं हो पा रहे। आपने कभी कोई एडवर्टाइजमेंट ये नहीं देखा, आपने कभी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, OTP नहीं बताना है? तो भाई इतना पैसे का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ आपके? जब आप मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी हो, MTech हो, आपके जैसे लोगों को ये फ्रॉड से फ्रॉड बना देंगे, तो बाकी जनता के ऊपर तो क्या करेंगे, ये कहर ही बरसा देंगे। कितने फ्रॉड बन गए सर?
2,27,000 कितना वो बताओ भाई? 2,25,000 2,25,000 रुपये बड़ा अमाउंट होता है। कब की घटना है? 1 तारीख की मंडे। 1 तारीख मंडे की घटना है। आप बताओ कैसे, आप तो फ्रॉड आपके साथ हुआ है, आप बता पाओगे कैसे बच सकते हैं इन फ्रॉड से? बताओ। मैंने गलती ये की कि जब वो लिंक मैंने ओपन किया तो मैं लिंक को देखा नहीं कि है क्या वो। उसमें क्लियरली वो SBI का वेबसाइट का लिंक नहीं था, उसमें SBI 1 करके वेबसाइट थी जिसमें ओपन हुआ लिंक। वो क्या करते हैं, SSBI कर देंगे या SBII कर देंगे या SBI 1 कर देंगे, ऐसे करके वो दिखेगा बिल्कुल SBI जैसा, एक लेटर का अंतर होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कभी भी लिंक पे क्लिक ना करें। आपको जो जाना भी है, यदि अपडेट करना है आपको, तो उसके साइट पे जाएं खुद टाइप करके और साइट पे जानकारी दें। वो साइट आपकी ऑफिशियल, यदि साइट पे टाइप करने के कारण यदि पैसा आपका जाता है तो वो इंश्योर्ड रहता है, उसकी इंश्योरेंस करा के रखती है बैंक कंपनियाँ। लेकिन आपकी अपनी गलती के कारण होता है तो बैंक का कोई इंश्योरेंस नहीं रहता। तो एक तो गलती इन्होंने किया, लिंक को क्लिक किया, और क्या गलतियाँ की आपने? दूसरा, जब वेबसाइट खुला तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि उसके कंटेंट पे ज़्यादा, क्योंकि मैं यूज़र नेम वगैरह एंटर करने की जगह पे मेरा ध्यान था, उसके हेडर पे योनो SBI लिखा था, जबकि SBI की वेबसाइट पे SBI ऑनलाइन लिखा रहता है। बिल्कुल, वो यदि होता क्या, हमारा ध्यान केवल यूज़र नेम पासवर्ड बिल्कुल बोला, कंटेंट ऐसा ही दिखता है, लेकिन केवल कंटेंट पे ना जाएं, क्योंकि आप दूसरे लिंक पे यदि चले गए तो पूरा भी सेम हो सकता है। जैसा इन्होंने कहा कि वो बंदा जब कॉपी करता है थोड़ा बहुत अलग रहता है, क्योंकि यदि बिल्कुल वो सेम रखेगा तो गूगल भी उसको हटा देगी, ये भी एक चीज़ हो सकता है। लेकिन तब भी सेकंड पॉइंट से ज़्यादा पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। तीसरी गलती क्या की आपने? तीसरी गलती, मैं डायरेक्ट बैंक को कॉन्टैक्ट किए बगैर मैं OTP डाल प्रोसेस आगे बढ़ा लिया। मुझे फ़ोन पे OTP बताना तो अपराध है। फ़ोन पे यदि आप OTP किसी को बताएंगे तो आप मतलब फ्रॉड को न्योता दे रहे हो, ये आदत छोड़ दें। किसी को OTP नहीं बताना है, और OTP कोई भी फ़ोन पे नहीं मांगता है। इवन कुरियर वाले आते हैं, इवन आप होटल में जाओगे तो जो OTP होता है सामने दाबना होता है। कहीं भी OTP फ़ोन पे नहीं मांगा जाता, फ़ोन पे OTP ना दे। उन्होंने सही बोला, अरे कोई डाउट था तो बैंक से बात करते कि आप हेल्पलाइन पे क्या आपके द्वारा, और ये भी बहुत ज़रूरी है, हेल्पलाइन नंबर गूगल पे ना ढूंढें। जब हमारा फ्रॉड होता है तो हम हेल्पलाइन गूगल पे ढूंढते हैं, और गूगल पे ढूंढते हैं तो वो फिर फ्रॉडस्टर अपना नंबर ऊपर में रखता है। हमेशा जब आप बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं तो बैंक का वेबसाइट एड्रेस, बैंक का हेल्पलाइन नंबर अपने पासबुक पे ही लिख लें। ATM ब्लॉक करने का प्रोसीजर, जिससे कभी भी आपको गूगल पे सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े। ये तीसरी गलती की है आपने, और ये तीन बड़ी गलतियों के कारण कितने का नुकसान हुआ आपको? 2,25,000 कितने मिनट में निकल गए? 2,25,000 7 से 8 मिनट। आप समझ सकते हैं। और वो 2,25,000 कैसे RTGS से ट्रांसफर हुए, कैसे ट्रांसफर हुए? लोन अकाउंट में उनने डिसबर्स करा के अपने, उसने दूसरे बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट तुरंत RTGS किया होगा, रियल टाइम ट्रांसफर। आप समझ सकते हैं 7 से 8 मिनट में पैसे ट्रांसफर हो गए, उसके बाद पैसे को होल्ड करना संभव ही नहीं है, और उसने तुरंत निकाल भी लिए होंगे उस अकाउंट से ज़्यादातर पैसा। पुलिस जांच करती है, फ्रॉडस्टर्स को पकड़ती है, लेकिन इतने ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं कि एक एक को पकड़ना संभव भी नहीं है। छोटे अमाउंट वाले तो हमारे पास FIR करने आते ही नहीं है। मुझे डेली अभी देख लीजिए 34 मिस कॉल्स हैं मेरे फ़ोन पे, लगातार लोग फ़ोन करते हैं, हमारा 1,000 रुपये की ठगी हो गई, 2,000 की हो गई, 3,000 की, 5,000 की, उनका तो FIR तक नहीं हो पाता। बड़े अमाउंट्स की हम कोशिश करते हैं फ्रॉडस्टर को पकड़ने की, लेकिन हम सभी सजग होंगे तब इन छोटे छोटे अपराधों से बच पाएंगे, क्योंकि 1,000, 2,000, 5,000 भी एक सामान्य नागरिक के लिए बड़ा अमाउंट है, और सबके लिए बड़ा है। आपके ऊपर क्या बीती मालूम चला आपको कि 2,25,000 की ठगी हो गई आपके साथ? मेरी 2 साल की जितनी भी जमा पूंजी थी सब चली गई। दो साल जॉब करके मेहनत से जो इनकी जमा पूंजी थी वो इन फ्रॉडस्टर्स ने 7-8 मिनट में खाली कर दी। इनकी छोटी सी गलती के कारण इनको इतनी बड़ी मुश्किल हुई। और ये ऐसा नहीं है कि इन्हीं के साथ हुआ, वो पैनिक में किसी के साथ हो सकता है। आप
एक और चीज़ है, गूगल में सॉल्यूशन ढूंढने से अच्छा है फिजिकल सॉल्यूशन भी ढूंढे। एक नई आदत सबको हो गई है, कोई भी चीज़ हुआ गूगल पे डाला, वो चीज़ सही है, लेकिन सही वो जो गूगल में जानकारी गई है वो सही है गलत है ये भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और समझ सकते हैं एमटेक किया हुआ व्यक्ति यदि उसको क्रॉस चेक नहीं कर पाया तो सामान्य व्यक्ति कैसे चेकअप कर पाएगा। इसीलिए आपके फ़ोन में कितने जो भी लिंक आता है उस पर कभी कभी आपका लिंक है, मोबाइल है आपके पास जिसमें लिंक आया था, ये देखिए लिंक था, ये ऐसे लिंक आता है, डियर कस्टमर योर FBI नेट बैंकिंग अकाउंट। एक तो नेट बैंकिंग होता है, इंटरनेट बैंकिंग होता है, यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फ्रॉडस्टर की भाषा से ही आप आधा समझ जाइएगा कि वो फ्रॉडस्टर है। नेट बैंकिंग अकाउंट विल एक्सपायर टुडे, नेट बैंकिंग अकाउंट कभी एक्सपायर नहीं, नेट बैंकिंग अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, नेट जो है वो मरता वो चीज़ है जिंदा हो, मशीनी चीज़ जिंदा ही नहीं है, वो एक्सपायर नहीं होता है, वो ठीक बता रहे हैं, वो विथहोल्ड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। टू कंटिन्यू सर्विसेज अपडेट पैन टू योर अकाउंट क्लिक, अब देखिए इनका जो वेब एड्रेस है देख के आपको मालूम चल जाएगा, https://khatri3qweb.app khatri3qweb.app। अब देख लो FBI कहीं नहीं है, आप ध्यान से देखोगे FBI जैसा नहीं, वन नहीं, FBI है ही नहीं इसमें, क्योंकि FBI जनरली अलाउ नहीं करता है बहुत, उसमें तुरंत कार्रवाई गूगल करता है। आजकल गूगल के पास ज्यादा शिकायतें हो गई हैं, स्क्रीनशॉट है, मैसेज नहीं है, कोई बात जो मैसेज आया किस हेड से आया ऊपर, CP SBN CPL, ये देखिए ये है ना, सॉरी कहाँ गया, ये वेबसाइट पर होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये सर ये CP, आप क्लिक कर सकते हैं, जो लोग क्लिक करना चाहें, ये है स्क्रीनशॉट है, ये है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, भेज देना स्क्रीनशॉट ग्रुप पे, आप देख रहे हैं जहाँ से मैसेज आया FBI नहीं है, SBN CPL है। लोगो बना के रखो और उसका नाम थोड़ा बदल दो तो हम उसको मैकडोनल्ड को मैकडोनल्ड ही पढ़ेंगे, यदि सी का डी भी हो जाए एक वो गायब भी हो जाए, ये एक परसेप्चुअल एरर है, परसेप्शन का एरर जो कि बहुत नॉर्मल है। अब आप देख सकते हैं जो HTTPS एड्रेस है वो बिल्कुल फर्जी है, मतलब कहीं से FBI का नहीं लग सकता। लेकिन अब यही है कि हमने पहले कभी देखा नहीं है ऐसे मैसेज, हम डेली काम नहीं करते इन चीज़ों में, जो आदमी डेली हम डेली काम करते हैं तो हम अलर्ट हैं, जो सामान्य नागरिक है वो इसमें फ्रॉड का शिकार बन सकता है। इसीलिए सबको जरूरी है कि मैसेज का पहले तो हेडर देखे, हेडर आप फर्जी है SBN CPL है फर्जी हो गया, दूसरा वेब एड्रेस देखे, वेब एड्रेस में KHT कोई FBI से मतलब नहीं है, मतलब फर्जी है। तीसरी बात, यदि FBI में कुछ अपडेट करना है FBI के वेबसाइट पे जाना है, FBI वेबसाइट में लिंक नहीं दिख रहा, बैंक जाके बात करनी है ऑफलाइन, आज के दिन में हर शहर में बैंक है। दूसरा देखें, इन्होंने ये वेबसाइट खुल गई, देखो योनो FBI करके, FBI के वेबसाइट में ऊपर हेडिंग देखिए KHTRI3, यदि FBI का रहेगा तो FBI ऑनलाइन पर्सनल बैंकिंग दिखाता है, ये वही वाला लिंक खुला हुआ है, यहाँ पर सेम FBI की तरह खोल दिया, लॉगिन फॉर PAN KYC, PAN KYC कोई टर्म ही नहीं होता, कोई टर्म नहीं होता PAN KYC वहाँ पे, ये इन्होंने गूगल की तरह रख दिया, यहाँ जैसे ही आप यूजर नेम डालोगे यूजर नेम उनका रीड कर लेंगे वो, पासवर्ड डालोगे पासवर्ड रीड कर लेंगे वो, मोबाइल नंबर डालोगे लिंक मोबाइल नंबर मालूम चल जाएगा इनको, कैप्चा लिए आगे बढ़े। अब आगे देखो फिर एक मैसेज आया, ये मैसेज ये सही आया है, ये देखिए FBI का है, SBI CBS SBI, ये प्रॉपर आया है FBI से, ये FBI से ये आया कि आपका होल्ड फॉर INR 4,20,000 क्रिएटेड इन डिपॉजिट अकाउंट जितना फॉर लोन अगेंस्ट, इनके पैसे के अगेंस्ट उन्होंने लोन उठा लिया 2,50,000 रुपये। ये देखिए ये प्रॉपर इंटरनेट बैंकिंग से है FBI का, पैसा कटा है वो FBI INB मतलब इंटरनेट बैंकिंग FBI है, लेकिन हम ध्यान से नहीं देखते हैं, इसीलिए
हम ठगी के शिकार बन जाते हैं। लास्ट मैसेज है ना, डियर कस्टमर थैंक्स फॉर इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑफ 1,99,997 टू इंडस बैंक। आपने सिर्फ मैसेज पे क्लिक कर दिया कि कॉल भी आया था? लास्ट ओटीपी जब मुझे नहीं, नहीं आया, पहला जो पहला मैसेज आया, पहले मैसेज पे मैंने क्लिक किया था, लास्ट जब ओटीपी आना बंद हो गया तब कॉल आया मुझे उनका। एक नंबर से फिर मुझे कॉल भी आया था कि आपने प्रोसेस बीच में छोड़ दिया है, ऑलमोस्ट हो गया। तो उस पे मुझे डाउट हुआ करके मैंने प्रोसेस रोक के सीधा साइबर सेल में कंप्लेंट किया। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, उसका मोबाइल नंबर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। सभी लोगों को मैं दोबारा कहूँगा, जब भी कोई मैसेज आए उसका हेडर देखें, उसका कंटेंट देखें। कंटेंट में कहीं भी लिंक है क्लिक नहीं करना है, जाना है तो मेन उसके होम पेज पे जाके एड्रेस लिख के जाना है। थोड़ा भी डाउट है बैंक चले जाएं, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन इन फ्रॉडस्टर्स को कभी भी ओटीपी फ़ोन पे ना बताएं। किसी भी हाल में कोई भी मांगे, आपके घर वाले भी मांगे तो ओटीपी ना बताएं। एक और फ्रॉड की बात सामने आ रही है, दुर्ग पुलिस का व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक्चर मेरा डाल के दुर्ग पुलिस बना के जिनके साथ फ्रॉड करते हैं उन्हीं को दूसरा बंदा फ़ोन करता है कि हम दुर्ग पुलिस से फ़ोन कर रहे हैं, आपके साथ इतने लाख का फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड अमाउंट पता है उनको, उन्होंने फ्रॉड किया है, यदि आप 10,000 रुपये हमें प्रोसेसिंग फ़ी देंगे तो दुर्ग पुलिस आपको फ्रॉड को पकड़ देगी। उसके नाम पे भी 2-3 लोगों ने 10,000-15,000 दे दिए। मैं स्पष्ट करता हूँ, दुर्ग पुलिस, मैं केवल अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7898815399 को ही यूज़ करता हूँ, इसके सिवाय यदि कोई दूसरा नंबर से मैसेज आता है तो वो मैं नहीं हूँ। मैं अपने पर्सनल नंबर पे सभी पे लोगों को रिस्पॉन्ड करता हूँ। दुर्ग पुलिस किसी से कोई भी पैसे नहीं लेती जांच करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए। इस ठगी से भी बचे, वो आदमी पहले से ठगा हुआ है, उसके ऊपर एक और ठगी करना वो तो वैसा है कि जख्म के ऊपर नमक छिड़कने की तरह है। तो सभी लोग उससे भी सचेत रहें। तो आप को इस ठगी का लाइव डेमो इसलिए दिखाया गया कि अभी भी बहुत सारे लोग सिंपल टेक्निक से फ्रॉड में फंस रहे हैं, बड़ा टेक्निक कुछ भी नहीं है। ये जो मॉडल ऑफ अप्रेंडा है जिसमें ठगी हुई है, ये पिछले 15-25 वर्षों से चल रही है, 2000 के बाद से ये मॉड्यूल चल रहा है, उसके बाद भी लोग फंस रहे हैं। इसमें कोई ऐप डाउनलोड कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल लिंक क्लिक हुआ। लिंक क्लिक होने से वो जो यूजर नेम पासवर्ड इन्हीं से लिखवाया गया वो उन्होंने रीड किया, जो इनका ओटीपी था वो लिया, जिससे कि उनके वो इंटरनेट बैंकिंग में घुस के कुछ चेंजेस कर पाएँ, और लोन जो स्वीकृत हुआ उसका ओटीपी गया इनके पास कि आपने ये लोन लिया है। उन्होंने जैसे ही ऑथेंटिकेट किया लोन स्वीकृत हो गया। इन्होंने यदि ओटीपी भी नहीं बताया होता तो वो, लेकिन या तो आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपके वो मैसेज पढ़ पाएंगे, या आपसे फिजिकली फ़ोन करके वो ओटीपी लेंगे। इनसे इन्होंने फ़ोन करके ओटीपी लिया। तो वही तीन चीज़ें दोबारा रिपीट, बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, लिंक पर क्लिक ना करें, फ़ोन पे ओटीपी ना बताएं, होम पेज पे जाके काम करें, साइबर अवेयर रहें, सुरक्षित रहें, और अपनी दाढ़ी जो गाढ़ी मेहनत की कमाई है उसको बचा पाएँ। धन्यवाद।